नमस्ते, स्वागत दी लल्लन टॉप के पते पर पहुंच चुके हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक। आज फिर हम आपके सामने आ गए हैं एक किस्सा लेकर। किस्सा सुनाएंगे, उसके पहले किस्से का रेफरेंस बताते हैं कि आज ये किस्सा लेकर क्यों आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रोहित शेट्टी की एक मूवी का ट्रेलर आया। मूवी का नाम सूर्यवंशी, अक्षय कुमार हैं, कैटरीना कैफ हैं। जैसे पूरा मार्वल टाइप का यूनिवर्स था, वैसा ही यहाँ पर एक पुलिस यूनिवर्स बना दिया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के जिक्र से। आज का किस्सा भी इसी बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। पिछले किस्से में हमने आपको बताया था कि कैसे मुंबई के ट्रैफिक DCP राकेश मारिया को ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा मिला था। ब्लास्ट 12 मार्च को हुए थे। 13 मार्च को राकेश मारिया ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम संभाल लिया था। कमान संभालने की शाम मारिया ने पहला ऑर्डर दिया, बिल्कुल बेसिक को फॉलो करने जैसा। कहा कि कंट्रोल रूम फीट पर पैनी नज़र रखी जाए। रात 8 बजे ये सब बात हुई और करीब 9:30 बजे पहला सुराग भी मिल गया था। पता चला कि वर्ली में हथियारों से भरी एक मारुति वैन मिली है। 10:30 बजे तक पुलिस ने वैन को जब्त भी कर लिया। वैन में थी 7 AK-56 असॉल्ट राइफल, 14 मैगजीन, पिस्टल और 4 हैंड ग्रेनेड। पता चला कि वैन रुबीना सुलेमान मेमन के नाम पर है। पता, माहिम की अल हुसैनी बिल्डिंग। मारिया ने अपने एक इन्फॉर्मर से पूछा, ये अल हुसैनी बिल्डिंग के मेमन कौन है? जवाब था, टाइगर मेमन। मारिया ने फिर पूछा, टाइगर मेमन, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। जवाब, सर स्मगलर है, अंडरवर्ल्ड। पुलिस टाइगर मेमन के फ्लैट की तलाशी लेने पहुंच चुकी थी। एक इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने घर का ताला तोड़ा गया, तलाशी ली गई। टाइगर मेमन के फ्लैट से एक बजाज स्कूटर की चाबी मिली। चाबी पर नंबर था 449। अब जरा कुछ दिन पीछे चलते हैं, इस स्कूटर का रेफरेंस समझते हैं। ब्लास्ट के अगले दिन पुलिस को नया गांव क्रॉस रोड पर एक स्कूटर मिला था, लावारिस स्कूटर। बम डिटेक्शन टीम को बुलाया गया, स्कूटर की तलाशी ली गई। पता चला कि इस स्कूटर में भी कई किलो RDX भरा था, लेकिन पता नहीं कैसे धमाका नहीं हुआ। शायद हमलावरों से बम फिट करने में ही चूक हो गई थी। पुलिस ने स्कूटर जब्त कर लिया था। ये स्कूटर मारिया की निगरानी में ही जब्त किया गया था। टाइगर मेमन के घर से जो चाबी मिली वो उसी बजाज स्कूटर की थी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस का पहला सुराग राकेश मारिया के हाथ लग चुका था। टाइगर मेमन ने ही मुंबई में धमाके करने के लिए 23 लड़कों की टीम तैयार की थी। उनकी इस्लामाबाद में ट्रेनिंग कराई गई। धमाके के बाद भारत छोड़कर नेपाल भाग जाने के लिए सबको 5,000 रुपये भी दिए गए। राकेश मारिया और उनकी टीम को केस की सबसे बड़ी कड़ी का पता चल चुका था। 15 मार्च की सुबह 6 बजे मारिया जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस MN सिंह के घर थे। उनको बता रहे थे, सर केस डिटेक्टेड। अब बाकी था एक्शन। हमले के जिम्मेदार एक एक शख्स को पकड़कर भारत लाने की कोशिश शुरू हो गई थी। मारिया ने ऑफिसर्स और जवानों को मिलाकर कुल 162 लोगों की टीम तैयार की। 3 दिन के अंदर मारिया ने मुंबई के अलग अलग थानों से लोगों को लिया, अपनी टीम तैयार की। सर्च और इन्वेस्टिगेशन टीम ने देश के 21 राज्यों के कुल 89 शहरों को छाना। इसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज में भी हो गए। शुरुआती जांच में ही पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज एजेंसी यानी ISI और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI का नाम सामने आ गया था। अब सामने आने वाले थे बड़े नाम। अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में राकेश मारिया लिखते हैं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक किस्सा पानी पी पी कर सुनाया जाता है। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा जाने के बाद मुंबई के कुछ मुस्लिम इसका बदला लेना चाहते थे। बदला लेने के लिए मदद मांगी गई दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। दाऊद ने साफ मना कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद कुछ मुस्लिम महिलाओं ने दाऊद को चूड़ियाँ भेजी लानत के तौर पर। ये बात दाऊद को लग गई और उसने टाइगर मेमन और मोहम्मद दौसा के साथ मिलकर मुंबई हमले की प्लानिंग रच डाली। इसके बाद पुलिस ने पूरी साजिश में शामिल 3 लोगों को पकड़ा, बादशाह खान, हनीफ और समीर। इनसे पूछताछ से ही एक सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया। हनीफ और समीर से सख्त पूछताछ चल रही थी, तभी वो बोले, साबा बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? मारिया, कौन बड़े लोग? हनीफ समीर बोले, संजू बाबा। मारिया का एक और सवाल, कौन संजू? हनीफ समीर का जवाब, संजय दत्त, हीरो संजय दत्त। इस नाम की तो किसी को उम्मीद नहीं थी। मारिया अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। संजय दत्त का नाम
इस केस से जुड़ चुका था। खैर, संजय दत्त पर अवैध हथियार रखने का दोष साबित हुआ था, बाद में उन्होंने इसके लिए सजा भी काटी। मेमन परिवार के कुल 7 लोगों को ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया गया। सबसे बड़े मुजरिम टाइगर मेमन, याकूब मेमन। टाइगर मेमन अब भी फरार है, याकूब में को 2015 में फांसी दे दी गई। राकेश मारिया को ये केस सुलझाने के लिए पुलिस मेडल मिला। सबसे खास बात यह रही कि उन्हें 13 साल की सर्विस के बाद ही ये मेडल दे दिया गया, जबकि अमूमन पुलिस मेडल के लिए कम से कम 15 साल की सर्विस होनी चाहिए। इन सब के बीच उस बजाज स्कूटर को मत भूलिएगा जिसकी चाबी राकेश मारिया को मेमन के फ्लैट से मिली थी, वो बजाज स्कूटर जिसने इस केस को सुलझाने में बड़ा किरदार निभाया, इस केस की पहली और सबसे बड़ी कड़ी बना। हम आप तक लेकर आते रहेंगे ऐसे ही और दिलचस्प किस्से। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए द लल्लन टॉप के साथ। अगर ये किस्सा आप YouTube पर देख रहे थे तो हमारा YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर Facebook पर देख रहे थे तो हमारा Facebook पेज लाइक कर सकते हैं। द लल्लन टॉप का ऐप Google Play Store पर मौजूद है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लल्लन टॉप खबरें वहाँ भी आपको मिलती रहेंगी। किस्से के दौरान कैमरे पर हमारे साथ थे रूहानी, शुक्रिया।